नमस्कार दोस्तों, सोनाक्षी आईवीएफ हिसार मना रहा है अपनी चौथी वर्षगांठ इस अगस्त। इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर पूजा देवयाना आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी छोटी छोटी कहानियां उन कपल्स की जो कि कोशिश कर रहे थे बहुत लंबे समय से प्रेग्नेंट होने की, बट किन्हीं किन्हीं कारणों के चलते वो प्रेगनेंसी धारण नहीं कर पा रहे। These are actually some difficult and challenging cases which we have faced. और इसी को मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ आज के The Beta Positive Tales में। तो दोस्तों, यह कपल था लगभग female was around 48 years of age। काफी लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे, मैरिड लाइफ इनकी हो गई थी लगभग 30 वर्ष। इस दौरान बहुत सारा ट्रीटमेंट ये लोग करा चुके थे और हमारे पास when this couple landed, she had already undergone 4 IVF cycles. माने 4 IVF cycles बाहर से already कराकर आई थी। एक IVF में she conceived, but pregnancy आगे नहीं बढ़ पाई थी किसी कारण से, और she landed in missed abortion during that time. तो क्योंकि ये बच्चा खराब हो गया था, बहुत हताश, बहुत निराश, बहुत परेशान थे ये कपल। हमारे पास जब ये आए तो बेसिकली इवेलुएट किया गया। ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड वॉट आई कुड सी इज कि गर्भाशय की जो सतह होती है, जो पड़त होती है या एंडोमेट्रियल लेयर होती है, वह बहुत थिंड आउट थी और उसमें एक हल्की सी फ्लूइड स्ट्रीक हमें नजर आ रही थी। फ्लूइड स्ट्रीक मतलब गर्भाशय के भीतर गर्भाशय की सतह में पानी की लकीर दिख रही थी। अब ये पानी क्या था? बेसिकली पानी का सोर्स यूजुअली गर्भाशय के अंदर कुछ नहीं होता है, बट इट कुड बी, हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, किसी और कारण से ऐसा पानी हमें दिखाई दे। अब क्योंकि ऑलरेडी 4 IVF साइकल्स हो रखे थे तो हमारे लिए बहुत जरूरी था यह जानना कि गर्भाशय की सतह आखिर कैसी बन रही है और इसमें अगर दिक्कतें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, क्योंकि यह सतह या जमीन ही ऐसी लेयर है जिसमें कि आपका बच्चा टिकता है। तो यस, वी फोकस्ड ऑन दिस एंडोमेट्रियल लेयर। अब क्योंकि बार बार गर्भाशय की सतह में दिक्कतें आ रही थी तो वी प्लान्ड लैप्रोस्कोपी एंड हिस्टेरोस्कोपी फॉर दिस पेशेंट। लैप्रोहिस्टेरो मतलब दूरबीन का टेस्ट, जिसमें एक दूरबीन, लैप्रोस्कोपी मतलब पेट से दूरबीन डालना, देखना गर्भाशय कैसी है, ट्यूब कैसी है, अंडाशय कैसी है। हिस्टेरोस्कोपी मतलब नीचे से गर्भाशय के रास्ते से दूरबीन डालना और देखना कि गर्भाशय के अंदर की सतह हमें कैसी दिख रही है। ऑन लैप्रोस्कोपी वी कुड सी कि उस औरत की ट्यूब्स फुलावट वाली थी, माने हाइड्रोसेल्पिक्स। हाइड्रोसेल्पिक्स मतलब ट्यूब्स एनलार्ज हो जाना, गुब्बारे की तरह फूल जाना और उनमें पानी भरना शुरू हो जाना। क्योंकि वो ट्यूब्स एनलार्ज थी तो दे वर द सोर्स की जहां से वो पानी गर्भाशय के भीतर बार बार आ रहा था। तो डिसीजन वॉज टेकन कि इन ट्यूब्स को बंद किया जाए प्रेगनेंसी से पहले ताकि गर्भाशय का पानी भी खत्म हो। सो लैप्रोस्कोपी अलोंग विद व्हाट वी कॉल एज कॉर्नुअल कोएगुलेशन, माने ट्यूब्स को बंद करने की प्रक्रिया की गई और उसके बाद फिर से इस पेशेंट को एग्जामिन करना शुरू किया गया। लगभग 3 से 4 महीने हमें फिर से बीच में लगे इसकी गर्भाशय की सतह तैयार करने में, बट गर्भाशय की सतह थिंड आउट जा रही थी बार बार। वी कुड नॉट एक्चुअली, मिनिमम हम सोचते हैं कि 7 mm तक हमें सतह मिल जाए, 7 mm तक हम नहीं पहुंचा पा रहे थे, बार बार थिंड आउट लाइन थी। रिपीट हिस्टेरोस्कोपी का डिसीजन दिया गया। द पेशेंट वॉज गिवन ऑप्शंस कि या तो आप 4 फेलियर्स हैं उसके बाद या तो आप सरोगेसी का ऑप्शन ले लो अगर हम सतह तैयार नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एडॉप्शन का ऑप्शन ले लो, या फिर वी नीड टू प्रोसीड फॉर अ रिपीट हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी मतलब गर्भाशय की दूरबीन की टेस्ट जो हमने पहले डिस्कस किया। सो द पेशेंट अंडरवेंट अ रूटीन हिस्टेरोस्कोपी। उस हिस्टेरोस्कोपी में हमने PRP थेरेपी की इस पेशेंट की, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, साथ में फंडल और लेटरल कट्स दिए गए इसको, और उसके बाद सतह तैयार करने की दोबारा से कोशिश की गई। सतह हालांकि इतनी बढ़िया नहीं थी जितनी शायद हम ट्रांसफर के लिए मानते हैं, बट द पेशेंट वॉज परसिस्टेंट कि उसे खुद के ही जन्मा हुआ बच्चा चाहिए, खुद से ही प्रेगनेंसी धारण करनी है। तो वी प्रोसीडेड विद द साइकिल। द पेशेंट अंडरवेंट 2 एम्ब्रियोज उसके हमने ट्रांसफर किए day 5 के, जिसे हम बोलते हैं ब्लास्ट कल्चर। एंड फाइनली we were delighted to see that the patient came out with a positive beta report after 14 days. तो हाँ दोस्तों, दिक्कतें बहुत थी साइकिल में। The patient had already undergone the trauma of previous 4 failures, 4 IVF cycles करा चुकी थी। गर्भाशय की सतह में पानी दिख रहा था जिसके लिए she underwent laparoscopy, tubes की clipping कराई। उसके बाद भी जब सतह हम नहीं बना पा रहे थे तो the patient underwent hysteroscopy, गर्भाशय का दूरबीन का टेस्ट।
इसके बाद उस पेशेंट का ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर के बाद शी गॉट अ पॉजिटिव रिपोर्ट और आज उस पेशेंट के पास, उस कपल के पास एक हंसता खेलता बच्चा है, लगभग 8 से 9 महीने। तो दोस्तों, यह सब स्टोरीज बताने की इच्छा मैं क्यों रख रही हूँ, ताकि उन सब कपल्स के लिए जो निराश हो चुके हैं, उन सब कपल्स के लिए जो इस टाइम पे ट्रीटमेंट से परेशान हो चुके हैं, थक गए हैं, उन सब के लिए यह पेशेंट्स, ये कपल्स जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो एक मिसाल है। वो एक मिसाल इस रूप में है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप हिम्मत रख रहे हैं, अगर आप बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली मंजिल जरूर हासिल होगी। सोनाक्षी आईवीएफ से मैं डॉक्टर पूजा दिलभयाना आपके लिए कुछ और छोटी छोटी कहानियां ऐसी लेकर आऊंगी इन्हीं कपल्स के बारे में, जो कि बहुत सारी मुश्किलों से गुजरते हुए अंत में पा लेते हैं खुशी। जुड़ेगा मेरे साथ नेक्स्ट टाइम अगेन इन द बीटा पॉजिटिव टेल्स में।